नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। राजस्थान की इस 19 साल की लड़की की कहानी सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, जो अपनी पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बाइक पर डोर टू डोर दूध बेचकर पैसे जमा करती है। गांव में लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी जाती है, उन्हें घर पर बैठा दिया जाता है या फिर शादी करवा दी जाती है। लेकिन आज हम ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं, जो राजस्थान के एक गांव की रहने वाली है, लेकिन सपना देखा है आगे बढ़ने का। नीतू शर्मा का सपना टीचर बनना है, लेकिन पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपनी बेटी का पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सपने को पूरा करने की जिद कर लो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए नीतू रोज सुबह 4 बजे उठकर मोटरसाइकिल पर दूध बेचने का काम करती है, ताकि पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जुटा पाए। अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के बाद वे बैंटअप खुर्द गांव से दूध इकट्ठा करती है और शहरों डोर टू डोर जाकर बेचती है। दूध बेचकर आने के बाद वो कंप्यूटर क्लास जाती है। नीतू अभी भी ए प्रोग्राम सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। अपने मिल्क बिजनेस के चलते वह रेगुलर कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पा रही है। बता दें, नीतू दूध बेचकर 12,000 महीना कमा लेती है। नीतू कहती है कि गांव में सब बातें बनाते हैं, क्योंकि मैं एक लड़की होकर मोटरसाइकिल पर दूध बेचती हूँ। यहाँ तक कि सब मेरा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा।